बिहार हिंदुस्तान की हृदय स्थली के समीप अवस्थित इस हरित प्रदेश की पहचान सिर्फ इसकी भौगोलिक परिधि से नहीं हो सकती। इसका असीम विस्तार हमें विस्मित करता है। विदेह राज जनक, तीर्थंकर महावीर, भगवान बुद्ध, महाज्ञानी चाणक्य, पराक्रमी अशोक और आर्यभट्ट का बिहार, मिथिला पेंटिंग का बिहार, बिहार का नाम लेते ही ज्ञान विज्ञान, धर्म, कला, शौर्य और स्थापत्य के उच्चतम शिखर हमारी आंखों के सामने झिलमिलाने लगते हैं। विश्व को धर्म, आध्यात्म, ज्ञान विज्ञान, मानवता और अनेकता में एकता का संदेश देने वाला बिहार, विश्वव्यापी बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजगीर स्थित शांति स्तूप, गृद्धकूट पर्वत, सप्तपर्णी गुफाएं, वैशाली, लौरिया नंदनगढ़, केसरिया स्तूप, बराबर की गुफाएं, चंपानगर समेत संपूर्ण बिहार में फैले ऐसे अनेक बौद्ध धर्म स्थल बुद्ध सर्किट से जुड़े हैं। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली, जो पूरे विश्व को सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश देने वाले 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म स्थान भी है। भगवान महावीर के मोक्ष स्थल पावापुरी सहित जैन सर्किट से जुड़े बिहार के अनेकों जैन धर्म स्थल जैन धर्मावलंबियों की आस्था के केंद्र हैं। प्राचीन काल में दुनिया भर के शिक्षार्थियों और शोधार्थियों का अध्ययन केंद्र रहे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसी बिहार में है। आज उनके खंडहर ज्ञान विज्ञान की कथा कहते और प्रेरणा देते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है बिहार। हाल ही में गुरु महाराज के 350वें प्रकाशोत्सव का विश्व स्तरीय आयोजन करके बिहार के लोगों ने दुनिया भर के सिख धर्मावलंबियों का मन मोह लिया। सासाराम स्थित शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर है। महान सूफी संत कमालुद्दीन याहिया मनेरी की मनेर शरीफ स्थित 800 साल से ज्यादा पुरानी दरगाह और मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम स्थित माता सीता की जन्मस्थली, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थल वाल्मीकि नगर, गुरु विश्वामित्र का आश्रम स्थल बक्सर, जहां राम लक्ष्मण का शिक्षण प्रशिक्षण हुआ था, बिहार में रामायण सर्किट के प्रमुख तीर्थ स्थल है। किसी स्थान की रहन सहन और संस्कृति का दर्पण है मेला। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला, राजगीर का मलमास मेला और गया के पितृपक्ष मेले में आपको पूरे बिहार के संस्कृति की झलक मिल जाएगी। मोक्ष की भूमि विष्णु की नगरी गया में पितरों के प्रति अगाध आस्था और श्रद्धा को व्यक्त करने हेतु देश दुनिया से प्रतिवर्ष लाखों हिंदू श्रद्धालु आते हैं। बिहार क्रांति की भूमि रही है, संघर्ष की भूमि रही है। स्वाधीनता संग्राम 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध बाबू वीर कुंवर सिंह ने जबरदस्त विरोध प्रकट किया था और जीते भी। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा और बापू बनकर गांधी जी ने चंपारण की धरती से ही भारत की आजादी के लिए शंखनाद किया था। ठीक 100 साल बाद महात्मा गांधी को याद करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने चंद्रहिया से मोतिहारी गांधी मैदान तक की विरासत यात्रा कर इतिहास को दोहराया। बिहार में आधुनिक समाज को ज्ञान और दिशा देने वाली प्राचीन सभ्यता की विरासत बिखरी पड़ी है। रोहतास दुर्ग, दरभंगा राज किला, मधुबनी राजनगर का राज पैलेस, गोलघर आदि बिहार के गौरव हैं। राजधानी पटना में गंगा नदी के तट गांधी घाट पर होने वाली गंगा आरती देखते ही बनती है। बिहार ज्ञान की भूमि रही है, नई तलाश की भूमि रही है। जाहिर है यहाँ की संस्कृति इन सब की एक मुकम्मल अभिव्यक्ति रही है, चाहे वो लोकगीत हो या लोक गाथा। वास्तव में बिहार की संस्कृति लोक शक्ति की प्रतीक रही है। यदि आपकी रुचि भारत को जानने में है तो बिहार को जानना ही होगा और हमें रहेगा आपका इंतजार। आइए तो बिहार।